कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल सबसे सिंपल है, मैं सबसे पहले उसका मीनिंग बता दियो, व्हाट इज कन्फॉर्मल, एंड देन जो मेन एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग मीन्स अ फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट पॉइंट जेड जीरो इफ कर्व in the z plane passing through z0 and image curve in W plane passing through F of Z0 preserves the angle in magnitude एंड सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब एंगल कौन से कर्व के ऊपर काउंट कर रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल। सो इनका कहना क्या है, इफ वी हैव गिवन द टू कर्व इन जेड प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट Z0 और सिमिलरली इसका जो इमेज है यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन W, we get the curve in W plane passing through point F of Z0 और उनके बीच का जो angle है, they preserve the magnitude of angle and sense of rotation of the angle। मतलब ये जो आपका यहाँ पे curve है C1 C2, इनका angle Z plane के अंदर और ये जो W plane में इसकी image निकाले C1 star and C2 star, तो इनका इनके बीच का एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे विद सेंस, यहाँ पे C1 से C2 काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी C1 से C2, सो ये हो गया इन्हें W प्लेन। तो ये जब आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो W यूज कर रहे हैं, दिस W इज कॉल्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्फॉर्मल मैपिंग। क्लियर? नाउ ये अगर हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो नेक्स्ट सपोज सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बट नॉट सेंस, देन उसको बोलते हैं आइसोगोनल। सो डेफिनेशन ऑफ आइसोगोनल इज इफ इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स between two curves is preserved the sense of magnitude only। जहां पे magnitude के sense में अगर बात कर रहे हैं तो जस्ट वो प्रिजर्व हो रहा है, सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, देन वी से द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड इज आइसोगोनल at that point। okay, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये सी वन, ये सी टू, इनके बीच में एंगल है थीटा सपोज, और दूसरा हमने निकाल लिया सी वन स्टार, सी टू स्टार, सी वन स्टार, इनके बीच में भी एंगल है थीटा। बट अगर काउंटिंग देखोगे तो ये इधर से सी वन से सी टू इस साइड से जा रहा है, और यहाँ पे सी वन से सी टू इस साइड से, तो इनमें ये थीटा है, तो यहाँ पे ये सी टू से सी वन, मतलब ये माइनस थीटा आ जाएगा। तो अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मतलब सेंस अगर देखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ये दोनों सेम है, बट काउंटिंग करने का जो प्रोसेस है, ये सी वन से सी टू है, ये सी टू से सी वन है। अगर सी वन से सी टू चले जाओगे तो ये आउटर साइड से आएगा। डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन की जो कन्फॉर्मल है और कौन सा नहीं है, तो वो कैसे डायरेक्टली बताएंगे। सो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन का थ्योरम, मतलब हर टाइम पे अगर मुझे डायग्राम निकालना, हर टाइम पे इस तरह से चेक करना कि उनका एंगल कितना है, सेंस वही है क्या, तो एक आधे कर्व के लिए निकाल लिया, दो कर्व, तीन कर्व, ठीक है। बट हर एक पॉइंट के लिए, एक्स वाई प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट के लिए तो हम बता नहीं सकते ना कि कौन से इसके लिए है। सो तब हमें थ्योरम का रिक्वायरमेंट रहता है, उसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, ये जो नेसेसरी, मैं थ्योरम और एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर हम प्रॉपरली उसका ये करेंगे, थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, सपोज डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिस पॉइंट पे भी आपको चेक करना है, उसका क्या करोगे, जिस किसी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि वेदर इट इज कन्फॉर्मल दैट और नॉट, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सो यहाँ पे होना चाहिए एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ये कंडीशन रहेगा। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एंड एफ डैश ऑफ जेड जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर डेरिवेटिव एट जीरो, जेड जीरो अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, तो इसे कहते हैं, देन दिस इम्प्लाई एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड जीरो। इमिजिएटली उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मल। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन एनालिटिक है, इफ फंक्शन इज एनालिटिक तो ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये हमने एनालिटिसिटी चेक कर लिया है क्या होता है। सो अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव एट जेड जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, तो देन आवर फंक्शन इज कन्फॉर्मल और ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल एट उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ना सी द एग्जाम्पल, आप लोग बताओगे इसमें से कौन सा कन्फॉर्मल है और कौन सा नहीं है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कन्फॉर्मल, अब यहां पे इन्होंने नॉट कन्फॉर्मल पूछा है। ऑप्शन इज ए रेज़ टू पावर जेड, बी जेड स्क्वायर प्लस टू जेड, ऑप्शन सी साइन जेड, ऑप्शन नंबर डी ई रेस टू पावर जेड स्क्वायर। सपोज एट पॉइंट नॉट कन्फॉर्मल एट जेड इक्वल्स टू जीरो, हमने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फॉर्मल एट जेड जीरो। सो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म के लिए उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो हियर अगर ये हमारा एफ ऑफ जेड है, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू पावर जेड, एंड एट जीरो इट इज अ वन, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमें चाहिए क्या, नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आया तो ही वो कन्फॉर्मल होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल है।
अगर यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड निकालोगे तो डेरिवेटिव इज 2z प्लस 2, दैट मीन्स एट जीरो इट इज 2, सो स्टिल इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो ये भी कन्फॉर्मल है, जिसका भी डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है दे आर कन्फॉर्मल. सो एफ डैश ऑफ जेड साइन जेड का डेरिवेटिव होगा कॉस जेड एंड डेरिवेटिव एट जीरो इज 1 बिकॉज कॉस ऑफ जीरो इज 1 दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. बट ये जो लास्ट वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ई रेस टू पावर का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर जेड स्क्वेयर अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर टर्म सो इट इज ए 2z. नाउ पुट 0 सो इट इज ए 0, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था बट क्या आ गया 0. सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कन्फॉर्मल. नाउ वी डिस्कस द प्रूफ ऑफ थ्योरम. द स्टेटमेंट इज The transformation W equals to f of z is a conformal at all the points in a region capital R of z plane if f of z is analytic and f dash of z not equals to 0 in region R. So, हम region R मतलब एक z plane के अंदर एक region R ही है और उसके points के ऊपर हम show कर रहे हैं कि function is conformal. अब function conformal कब हो सकता है? तो इसके लिए if के ये जो दो condition है ये हमारे लिए given है. इफ फंक्शन एनालिटिक, मतलब फंक्शन हमारा एनालिटिक है और दूसरा डेरिवेटिव एट पॉइंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो ये जेड कहाँ से आ रहा है? जेड बिलोंगिंग टू रीजन आर. तो आर रीजन का कोई पॉइंट आप उठाते हो और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो है एज वेल एज गिवन फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वी कैन से गिवन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज ए कन्फॉर्मल. और कन्फॉर्मल का मतलब क्या होता है वो तो हमने अभी देख ही लिया है. सो नाउ इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके प्रूफ के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, वी हैव टू टेक जेड प्लेन. सो इस जेड प्लेन के अंदर हम कंसिडर करेंगे टू कर्व. सो सपोज फर्स्ट कर्व है हमारा यहाँ पे C1 कर्व और सेकेंड कर्व वी कंसिडर दिस इज अवर C2 कर्व. अब ये जो C1 एंड C2 कर्व है दिस इज अवर C1 कर्व C2 का, तो ये कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है. सपोज दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज Z0. तो ये Z0 दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट है. यहाँ से हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सो Z0 ये कर्व का पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो उस सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन. सिमिलरली ये C2 कर्व जो है इनका जो Z0 पॉइंट है तो सेकेंड कर्व के ऊपर भी हमें क्या करना है, ड्रॉ द टेंजेंट. अब दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए पासिंग थ्रू Z0 तो वो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है दैट इज अवर एंगल α1 एंड सेकेंड कर्व का जो टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहा है उसका एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं α2. नाउ ये जो टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रही है Z0 पॉइंट पे तो इस दोनों टेंजेंट के ऊपर हमें Z0 के नियरेस्ट 2 पॉइंट्स कंसिडर करना है. सपोज ये जो हमारा सेकेंड टेंजेंट है उसके ऊपर हम पॉइंट कंसिडर करेंगे Z2 और ये जो फर्स्ट टेंजेंट है फर्स्ट कर्व के ऊपर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट वी कंसिडर दिस पॉइंट इन Z1. अब ये Z1 Z2 ऐसे ही नहीं लेना है, हमें दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट के ऊपर पॉइंट कंसिडर करना है विच इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Z0. सो Z0 से अगर Z1 का डिस्टेंस निकालोगे और Z2 का तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इस वे से हमें ये पॉइंट कंसिडर करना है. नाउ ये जो कर्व है इनके बीच के हम एंगल की बात करते हैं कन्फॉर्मिटी के लिए. तो एंगल ऐसे डायरेक्टली कर्व के बीच का एंगल ऐसे काउंट नहीं किया जाता है तो आपको उसके लिए टेंजेंट का ही हेल्प लेना पड़ता है. तो इन टेंजेंट का फर्स्ट टेंजेंट सेकेंड टेंजेंट इनके एंगल का डिफरेंस मतलब ही होता है एंगल बिटवीन दिस कर्व. सो इसी के लिए हमें ये टेंजेंट का रिक्वायरमेंट होता है. सो दैट्स व्हाई वी टेक द टू कर्व्स इन जेड प्लेन एंड टेक द टेंजेंट व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट Z0 बिकॉज Z0 इज अ कॉमन पॉइंट फॉर Z1 एंड Z2. तो इस पॉइंट के ऊपर इसका एंगल कितना है वो देखने के लिए हमने क्या किया, ये दो पॉइंट टेंजेंट को ले लिया. नाउ इसका हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. C1 C2 कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ W इक्वल्स टू F ऑफ Z. सो दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हेल्प से हम इन दोनों कर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं इन ए डब्ल्यू प्लेन. दिस इज अवर जेड प्लेन क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस.
दिस इज अवर जेड प्लेन. अब सी वन कर्व का कुछ ना कुछ इमेज आएगा यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो सपोज सी वन कर्व का ये इमेज आ रहा है, कंसिडर दिस इज अवर सी वन कर्व. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है. और दूसरा कर्व हम कंसिडर करेंगे सी टू कर्व. अगेन ये सी वन एंड सी टू, मतलब ये सी वन का इमेज है इसलिए सी वन ना लेते हुए हम इसको कंसिडर करेंगे. इट इज ए सी वन स्टार. एंड सी टू कर्व का जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसका इमेज हो गया ये सी टू स्टार. सो सी वन एंड सी टू को ट्रांसफर कर दिया डब्ल्यू प्लेन में तो वी गेट करस्पॉन्डिंग दिस टू कर्व. नाउ अगेन ये जो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट पे, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, एफ ऑफ जेड जीरो. ये एफ ऑफ जेड जीरो अगर इनका कॉमन पॉइंट है तो नेक्स्ट में कंडीशन होगा वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन दिस कर्व. सो ये जो सी वन कर्व है इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एफ ऑफ जेड जीरो. वैसे ही सेम आपको सी टू कर्व के ऊपर भी टेंजेंट को ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू पॉइंट एफ ऑफ जेड जीरो. और ये रियल एक्सिस को, मतलब ये यू एक्सिस हमारा रियल एक्सिस है इन डब्ल्यू प्लेन. ये हो गया वी एक्सिस, दिस इज अवर डब्ल्यू. तो ये जो टेंजेंट यू एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा. वी कंसिडर इट इज ए बीटा वन एंड दिस इज अवर बीटा टू. जैसे हमने यहाँ पे टू पॉइंट्स कंसिडर किए थे टेंजेंट पे विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब अगर आप डिस्टेंस ऑफ जेड वन जेड जीरो निकालते हो और वही इक्वल आएगा डिस्टेंस ऑफ जेड टू जेड जीरो. लेट अस अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज आर. आर जस्ट उनका डिस्टेंस डिनोट कर रहा है कि ये जेड जीरो से जेड वन आर डिस्टेंस पे और जेड जीरो जेड टू भी आर डिस्टेंस पे. यहाँ पे भी आपको वैसे ये जो दो टेंजेंट लिए इस पे भी आपको क्या करना है, दो पॉइंट लेना है. सो जस्ट हमने क्या किया, इस टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट कंसिडर किए. अब ये इक्वी डिस्टेंस पे है नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो मे बी उनका डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो अलग हो सकता है. सपोज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डब्ल्यू वन डब्ल्यू जीरो ये होगा रो वन, इट जस्ट डिस्टेंस तो डिनोटेड बाय रो वन. किसी भी नोटेशन से आप दिखा सकते हैं, कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू ऐसे भी लिख सकते हो. एंड हियर डब्ल्यू टू से डब्ल्यू जीरो का डिस्टेंस है रो टू. नाउ ये जितना भी हमने किया है इस प्रोसेस को आपको जस्ट प्रूफ एग्जाम में लिखते वक्त सारी कंडीशन को आपको वहां पे लिखना है कि हियर टेक द कर्व सी वन सी टू इन जेड प्लेन विच इज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट जेड जीरो एंड देन ड्रॉ द टेंजेंट ऑन कर्व वन एंड कर्व सेकेंड दे मेक एंगल अल्फा वन अल्फा टू विथ एक्स एक्सिस. सो मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको शो कर देती हूँ कैसे कैसे लिखना है. तो सो लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि हमारा फंक्शन कैसा है एनालिटिक और कहाँ पे इन ए रीजन कैपिटल आर ऑन जेड प्लेन. तो जेड प्लेन के अंदर ये जो रीजन दिया है आर, इसमें फंक्शन एनालिटिक है, ये हमने सबसे पहले कंसिडर किया. सेकेंड हमने क्या किया है, सी वन सी टू कर्व को ड्रॉ किया है इन जेड प्लेन. सो लेट सी वन सी टू बी टू कर्व इन जेड प्लेन इंटरसेक्ट एट पॉइंट जेड जीरो. लेट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट मेक एन एंगल अल्फा वन एंड अल्फा टू. तो ये दोनों टेंजेंट क्या कर रही है, अल्फा वन एंड अल्फा टू एंगल क्रिएट कर रही है विथ रियल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में. एंड लेट जेड वन एंड जेड टू बी द पॉइंट नियरेस्ट टू द जेड जीरो. हमने इन टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट कंसिडर किए हैं जेड वन जेड टू विच इज नियरेस्ट टू द जेड जीरो एंड उन डिस्टेंस को हमने कंसिडर किया है आर ऑन द कर्व सी वन एंड सी टू रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ से हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर हमारे पास में डिस्टेंस वगैरह पता है तो इसको अगर मॉड के फॉर्म में लिखते हैं तो ये मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड जीरो इज नथिंग बट आर. और ये मॉड अगर हटा देते हो तो एक्चुअली ये नथिंग बट क्या होता है, इट इज अ आर ई रेस टू पावर आई थीटा वन. व्हाट इज अ थीटा वन, थीटा वन इज अ एंगल, ये जो टेंजेंट इस पॉइंट पे बना रही है ना तो उस एंगल को हम थीटा वन कंसिडर. ना हियर जैसे हमने जेड वन जेड जीरो इनका सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है वैसे ही जेड टू माइनस जेड जीरो क्या होगा, डिस्टेंस तो आ रही है तो एंगल में भी अलग हो सकता है तो इट इज ए आर थीटा आई थीटा टू, आर इरेस्ट टू पावर आई थीटा टू. और डब्ल्यू के लिए हमने क्या लिया है, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू जीरो इनका डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है रो वन,
So it is a rho 1 e raised to e power I phi 1. And W2 minus W0 is rho 2 e raised to e power I phi 2. If our function is analytic, then it is a differentiable. So apply the definition of derivative at point. So z0 is point ke upar agar hum f dash ki baat kar rahe hain. So it is a f dash of z0 is equals to definition of derivative at point is limit z tends to z0 f of z minus f of z0 divided by z minus z0. Now अब हमें z0 पॉइंट की तरफ जाना है. तो z0 पॉइंट इस ग्राफ में देखोगे तो z0 आप z1 से भी जा सकते हो, अदरवाइज z2 इस पॉइंट से भी जा सकते हैं. सो देयर आर टू वेज, मतलब यहाँ पे हमारा z0 पॉइंट है. तो हमने लिमिट की डेफिनेशन देखी थी कि अगर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली दिस लिमिट इज एग्जिस्ट. तो लिमिट एग्जिस्ट है तो किसी भी पाथ से अगर आप z0 की तरफ जाओगे तो आंसर मस्ट बी सेम. सो यहाँ पे दो वेज है, एक तो z1 से z0 पे आओ या फिर z2 टू z0. तो हम दोनों से ट्राई करेंगे क्या आंसर आता है. सो फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम z1 टू z0. सो हियर f dash of z0 is equals to limit z1 tends to z0. So it is a f of z1 minus f of z0 divided by z1 minus z0. And we know that our function f of z, we denote it as a w. So f of z0 is denoted by w0 and f of z1 is denoted by w1. So using this notation, we can write this term limit z1 tends to z0. It is a w1 minus w0 divided by z1 minus z0. And in polar form, this is nothing but our rho 1 e raised to e power I phi 1. And this term is r e raised to e power I theta 1. Now this radius part, separate this term and e raised to e power ka ye denominator ka term hum numerator mein shift kar denge. So we can write it is a limit z1 tends to z0 rho 1 by r and e raised to e power I phi 1 minus theta 1. Left hand side mein f dash of z0 likha hai, ye bhi पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी आर ई रेस्ट टू पावर आई थीटा वाला टर्म आएगा. अब हमने थीटा नोटेशन यूज किया है, फाई नोटेशन यूज किया है, रो एंड आर ये दोनों नोटेशन अगर यूज हो गए तो इस फाई डैश को अगर मुझे पोलर में लिखना है तो वी हैव टू यूज द न्यू नोटेशन. सो मैं यहाँ पे समझने के लिए हम इस टर्म के लिए क्या करेंगे, वी यूज न्यू नोटेशन. सो लेट f dash of z0, ये जो भी डेरिवेटिव आएगा पोलर में, इट इज ए कैपिटल R e raised to power I lambda. तो जस्ट ये कंसिडर किया है पोलर में इस तरह से, ये नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हो. सो phi dash का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, इट इज ए लिमिट z1 tends to z0 rho 1 by R e raised to power I phi 1 minus थीटा 1. नाउ इक्वेट द टर्म, ये आर आर का पार्ट अगर इक्वेट करते हो तो कैपिटल आर इक्वल्स टू लिमिट जेड वन टेंस टू जेड जीरो रो डिवाइडेड बाय आर एंड ई रेस्ट टू पावर को इक्वेट करोगे तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू लिमिट जेड वन टेंस टू जेड जीरो पाई वन माइनस थीटा वन. So when z1 tends to z0, so we know that ये जो phi 1 है इसका क्या होगा beta 1 and theta 1 का हो जाएगा alpha 1. So we get the lambda is equals to beta 1 minus alpha 1. Now ये हो गया एक बात जहाँ पे हमने z1 से z0 हमने find out किया. Similarly अगर हम f dash of z0 z1 z2 to z0 find out करते हैं, so यहाँ पे होगा limit z2 to z0 f of z2 minus f of z0 divided by z2 minus z0. और इसके वजह से आपको क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो
तो इट इज अवर रो टू इरेज़ टू पावर आई फाई टू डिवाइडेड बाय आर इरेज़ टू पावर थीटा टू आई. नाउ लेफ्ट हैंड साइड टू आई इट इज हियर और एफ डैश को हमने पोलर में कन्वर्ट करके रखा है. सो इट इज ए कैपिटल आर इरेज़ टू पावर आई लैम्डा इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टू टेंस टू जेड जीरो रो टू बाय आर इरेज़ टू पावर आई phi 2 minus theta 2. Equated term, so we get lambda is equals to limit z2 tends to z0 phi 2 minus theta 2. And when this z2 tends to z0 ho jayega, so that time this phi 2 will be beta 2 and this term is alpha 1. Now if this term is tending, if we know that our function is analytic, so derivative must be equal. और ये दोनों भी एफ डैश इक्वल्स टू है तो लैम्डा इनका लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट हो जाएगा. सो बीटा वन माइनस अल्फा वन इज इक्वल्स टू बीटा टू माइनस अल्फा टू. सो ये जो अल्फा वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, बीटा का टर्म राइट साइड में. सो वी गेट अल्फा टू माइनस अल्फा वन इज इक्वल्स टू बीटा टू माइनस बीटा वन. इसका मतलब है ये जो एंगल की बात कर रहे थे हम कि एंगल यहाँ पे W प्लेन और Z प्लेन में सेम रहना चाहिए, तो यस यहाँ पे क्या होगा एंगल इज प्रिजर्व. एंड विथ ये जो टर्म है सेंस ऑफ रोटेशन वो भी यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगा. सो इस टाइप का कोई कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस टाइप का है तो देन दैट इज कॉल्ड अ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इम्प्लाय एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल. और ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपका फंक्शन एनालिटिक है एंड एफ डैश नॉट इक्वल्स टू जीरो है. सो एफ डैश अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन इज एनालिटिक, तो वो फंक्शन क्या होता है कन्फॉर्मल. और कहाँ पे कन्फॉर्मल, जिस पॉइंट पे फंक्शन एफ डैश नॉट इक्वल्स टू जीरो देता है. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.